ब्रेकिंग न्यूज एंड वेरी शॉकिंग न्यूज, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग यानी हिमखंड टूट चुका है एंड पूरी दुनिया की मीडिया में इसकी ही चर्चा चल रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी बड़ी न्यूज है ये। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वीडियो को पूरा देखना। हे देर आई एम रणा लगदोने, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज चैनल पे मैं नया हूँ। बढ़ते आगे। अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग यानी हिमखंड टूटकर अलग हुआ है। यह आइसबर्ग 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है एंड 170 किलोमीटर लंबा, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। सो कुल मिलाकर यह आइसबर्ग दिल्ली से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, दिल्ली से 3 गुना ज्यादा बड़ा है आइसबर्ग। एंड इस आइसबर्ग को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने A76 नाम दिया है। कई साइंटिस्ट का मानना यह है कि इंसानों द्वारा की जा रही गतिविधि के कारण, बदलते क्लाइमेट चेंज के इशू के वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आइसबर्ग टूट के अलग हो रहे हैं, इस वजह से यह आइसबर्ग टूट के अलग हुआ है, ये मानना है साइंटिस्ट का। एंड इस बच्ची का भी, ग्रेटा थंबर्ग, नाम तो सुना होगा। अंटार्कटिका के रोनी आइस सेल्फ से अलग हुआ आइसबर्ग वडेल के समुद्री इलाके में तैर रहा है फिलहाल। साइंटिस्ट के मुताबिक यदि आइसबर्ग पिघलता है या बहता है तो स्पेन का मेजोरका आइलैंड तबाह हो सकता है, बिकॉज A76 आइसबर्ग इससे बेहद ही ज़्यादा नज़दीक है, अभी फिलहाल तैर रहा है वहाँ पे। इस आइसबर्ग के वजह से समुद्री जीव और पेंगुइन्स पर भी असर पड़ सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे पहले इतना बड़ा आइसबर्ग 1986 में टूटा था एंड साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च में बताया है कि 1980 के बाद सी लेवल में 9 इंच का फर्क आया है, यानी समुद्र का जलस्तर 9 इंच बढ़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, दैट्स व्हाई आइसबर्ग पिघलकर और फिर टूटकर समुद्र में गिरते हैं। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पूरा पसंद आया, समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।